We all know that Kanglai Park was the name of this place. Manipur से पहले तो Kanglai Park जाना जाता था. एक king थे यहाँ के Kagemba. Kagemba was a very smart and a very warrior type of king, and he in fact won the entire Burma. और वो उनकी strategy क्या होती थी? They used to have Arambai. Arambai was a kind of weapon जिसका वो आगे का part नुकीला जैसे भाला होता है, और उसमें ये पॉइजन लगा देते थे एंड दे यूज टू रन थ्रू दी हॉर्सेस और उसको फेंकते थे अपने दुश्मनों पे और ग्रुप में फेंकते थे और वो उसमें पॉइजन होने की वजह से पीपल वर बाउंड टू डाई. तो चाइनीज आर्मी को इन्होंने हराया एंड ही डिक्लेयर्ड एज द कॉन्करर ऑफ चाइना हिमसेल्फ. दी Kagemba की बात है, ही वॉज वेरी स्मार्ट. ऑन द सेम साइड ही वॉज वेरी प्रो पब्लिक. तो पब्लिक में बहुत अच्छी इनकी आवभगत थी, पीपल लाइक हिम. इनका एक अपना बेटा हुआ और उस बेटी की शादी इन्होंने दूसरी कम्युनिटी, जैसे ही वॉज फ्रॉम मैतेई एंड द सेकेंड नागा कम्युनिटी की प्रिंसेस से कराई, ताकि नागा और मैतेई का आपस में पैक्ट हो जाए. किंग मैतेई के थे. हाँ, किंग मैतेई के थे और उसने अपने बेटी की शादी नागा प्रिंसेस से कराई ताकि नागा और इनके बीच में क्लैशेस कम हो जाए. अच्छा. सो इट वॉज वेरी जो फार साइटेडनेस की कैसे हमें साथ में रहना है, एंड ही वाज वेरी स्ट्रांग. तो एक तो कांगला और दूसरा कांगला शाह. अच्छा. कांगला शाह बेसिकली वाज द गॉड जिसको ये मानते थे, और ये जैसे हॉर्स टाइप की उनकी स्टैचू थी. इन्होंने अपने फोर्ट के बाहर दो कांगला शाह की स्टैचू बनवाई और उनकी पूजा करते थे. उनकी पूजा करके ही ये जाते थे वॉर लड़ने, बट ही वन मोस्ट ऑफ द वॉर. तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज वेरी स्मार्ट. इनका एक ब्रदर था जिसका नाम था सालुम्बा. सालुम्बा बहुत चिढ़ते थे. अच्छा. और सालुम्बा वांटेड टू बिकम किंग हिमसेल्फ. तो उन्होंने जो उस समय नवाब ऑफ बंगाल थे, तो उनको एक खत लिखा और बुलाया कि आप इन पे अटैक करो, आई विल हेल्प यू. तो नवाब ऑफ बंगाल ने अटैक भी करा, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो वो Kagemba की पावर से वाकिफ नहीं थे एंड नवाब वाज डिफीटेड. नवाब अपने जैसे तैसे अपनी जान बचा करके वापस आए, और उस पीरियड में नवाब की कुछ सेना के सिपाही इन्होंने पकड़ लिए. अच्छा. और उनको जब पकड़ लिया तो उनको वहां रखा. तो इस तरह से कुछ मुस्लिम्स उस स्टेट में थ्रू दी जो इनके सिपाही से वो मुस्लिम थे. तो बाद में उनको कहा जाता है कि मैतेई का ही एक और वर्जन आया जो मुस्लिम कम्युनिटी का था, दैट इज वेरी स्मॉल वर्जन. तो ऐसा कहा जाता है. तो ये Kagemba वाज वन हुआ जो वेरी वेल नोन.